देखिए आपको मैं पास से दिखा दे रहा हूँ, जो कटे हुए इसमें बादाम है वो भी इसमें पड़े हुए हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग आए हैं रसम में, जो रेव 3 में सिचुएटेड है, और यहाँ की जो एक राजस्थानी थाली है वो ट्राई करने आए हैं। अनलिमिटेड है, मतलब एक पर्सन के लिए वो अनलिमिटेड है, जितना ज़्यादा आप खा सकते हैं खा लीजिए। उसका प्राइस 399 रुपये है और 419 रुपये की ये पड़ेगी आपको टैक्स मिला के। रसम की टाइमिंग 12 से 3 है दोपहर में, और शाम को 7 से 11 है। और अगर आप लोग 6 लोगों से ज़्यादा हैं तो आपको टेबल बुक करके आना पड़ेगा, और अगर 6 लोगों से कम है तो टेबल बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो नोटिफिकेशन बेल है ना उसको ऑन कर लीजिएगा, उसी से आपको नए नए फूड्स के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। तो बस जब तक हमारी थाली बन के आती है, रेडी होके आती है, तब तक आप रसम का जो इंटीरियर है, एम्बियंस है, उसको इन्जॉय करिए। राजस्थानी थाली हमारे पास आ गई है। तो अनिल सर, बताइए कुछ विशेषता इस थाली के बारे में। थाली बहुत अच्छी है और बहुत रीजनेबल इसका प्राइस है। अच्छा। और काफ़ी इसमें वैरायटी है। अच्छा। क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। और ये अनलिमिटेड है 1 पर्सन के लिए? हाँ, ये अनलिमिटेड थाली है 1 पर्सन के लिए। और अगर कोई शेयर करेगा तो? शेयरिंग नॉट अलाउड है। और अगर बाई जब आप करते भी हैं तो उसमें जो एक बार लग के आएगा वही आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। तो बस सर से तो आपकी बात करा दी, अब इसमें आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, एकदम डिटेल में बताएंगे स्वाद कैसा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आखिरी तक देखिएगा। ये दही गुजिया हो गई जी, गट्टे का पुलाव है, गट्टे का पुलाव हो गया, कड़ी पकौड़ी, मिक्स सब्जी, खेड़ सांगड़ी, गट्टे की सब्जी, पंचदाल, पापड़ हो गया, गोंद पात, गुड़ मक्खन, चूरमा है, छह की मिर्ची, बाजरे की रोटी है, मिक्सी रोटी है, फुल्का, ओनियन खस्ता, दाल पापड़। जो ये छाछ है इसको थोड़ा सा पहले ऐसे ही छाछ का स्वाद बहुत अच्छा है, और इसमें ऊपर से जो धनिया है उसको स्प्रिंकल करी गई है। सबसे पहले जो ये फुल्का है इसको खाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम है। जो ये गट्टे की सब्जी है आप देख लो, गट्टे की सब्जी के साथ खाएंगे, गट्टे की जो सब्जी है इसका जो स्वाद है थोड़ी ये स्पाइसी है फील होगा आपको। जो ये पुलाव है इसमें काजू है। ये जो आप देख रहे हो ना गट्टे का पुलाव, इसमें ये छोटे छोटे गट्टे पड़े हुए हैं, और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस थाली की लगी वो इसमें आप देख रहे हो ना काजू पड़े हुए हैं और मटर है और गट्टे के छोटे छोटे पीसेस हैं। अब हम जो नंबर 3rd है वो हमारी खेड़ सांगड़ी, ये है बेसिकली, ये राजस्थानी टच है इसमें, और राजस्थान में ही आपको जो राजस्थान की डिशेस होती है उसमें ही आपको मिलेगी। ये है हमारी खेड़ सांगड़ी, इसमें भी काजू पड़े हुए हैं। हल्का इसमें बहुत हल्का सा मिर्च ऐसा लग रहा है, और काजू जो इसका स्वाद है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहा है। मिर्च भी है इसमें, लाल वाली मिर्च पड़ी हुई, जैसे आप ये देखो, ये देख रहे हो ना, देखो लाल मिर्च भी है। हमारी आती है राजस्थानी जो कढ़ी है, वो छोटे छोटे इसमें जो कढ़ी में जो पकौड़ियाँ पड़ी होती वो एकदम गर्मा गर्म है। कढ़ी एकदम परफेक्ट है, ना ज़्यादा खट्टी है ना ही ज़्यादा मीठा बना रहा है। और जो ये
कढ़ी का जो पकौड़ा है जो उसमें पड़ा हुआ है बहुत ही सॉफ्ट है, ये नहीं कि इसमें अच्छे से वो कढ़ी का इसमें जो फ्लेवर आ गया है। ये चूरमा इसको थोड़ा सा पहले ऐसे ही खाते हैं, इसमें भी जैसा कि आप देख रहे हो बादाम जो है कटे हुए पड़े हैं, स्प्रिंकल किए गए ऊपर से काट के, जैसे जूलियन काटे जाते हैं ना लंबे लंबे वैसे। ये देखिए आपको मैं पास से दिखा दे रहा हूँ, जो कटे हुए इसमें बादाम हैं वो भी इसमें पड़े हुए हैं। हमारा सैलेड है, सलाद है, उसमें आपको मिलेगा अनार के दाने, टमाटर है कटे हुए, ये सब चार पांच चीज़ें हैं, और थोड़ी थोड़ी धनिया भी डाल दी गई, खीरा का भी एक टच आ रहा है, दही गुजिया जिसे अभी सर बता के गए हैं मुझे, थोड़ा सा ये इसमें ऊपर से चटनियाँ ऐड करी गई हैं। दही की खटास और जो हरी वाली चटनी और जो लाल वाली चटनी, ऊपर से मसाला हल्का सा डाला गया है, तो इसका जो स्वाद, जो फाइनली स्वाद जो आ रहा है वो खट्टा मीठा स्वाद आ रहा है। खस्ता कचौड़ी जिसे बोल रहे थे, मैं आपको पास से दिखा दूँ उसमें फीलिंग की क्या क्या डाली गई है। फीलिंग देख लो ना, ये सब बहुत सारी चीज़ें इसमें फील करी गई है। खस्ता कचौड़ी से इसलिए बोला गया है कि खाने में ये बहुत ही खस्ता है, सॉफ्ट है, और कचौड़ी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर फीलिंग भरी गई है। सब्जियां हैं, प्याज है और धनिया डाली गई है, ये सब चीज़ें इसमें ऐड करी गई है, तो ये खस्ता कचौड़ी हो गई। ये बाटी है, इसको हम इंजॉय करेंगे मूंग की दाल के साथ। तो थोड़ी सी पहले इसको हम तोड़ लेते हैं, वो जो ये मूंग वाली दाल बोल रहे हैं इसमें इसको ऐसे डाल दिया हमने, मूंग की दाल डाली। चाहिए साथ में जो पापड़ दिख रहा है ना आपको कोन की तरह, मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी सब्जियां, दाल और सब दिखा दिया, बस एक बचा है वो जो ये बाजरे की जो रोटी है, ये देखने देख रहा हूँ कितनी क्यूट सी छोटी सी रोटी लग रही है, स्वीट है गोंद पाक, इसको खाने के बाद आपका ख़त्म हो जाता है ये राजस्थानी थाली पूरी। और मैं आपको विश्वास करो आप मुझ पे, जो ये राजस्थानी थाली है ना आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी मंगाने की, आप पूरा खा लेंगे आपका पेट एकदम फुल हो जाएगा। बाकी अगर बहुत लोगों की डाइट थोड़ी ज़्यादा होती है तो वो मंगा सकते हैं दोबारा, अनलिमिटेड है, खाइए इंजॉय करिए मज़े करिए। तो राजस्थानी थाली तो मैंने इंजॉय कर लिया, उसके बाद जो इनका राजस्थान का जो ट्रेडिशन होता है उसी हिसाब से हमारे हाथ धुलवाए जा रहे हैं। मतलब एकदम गर्मा गर्म वार्म वाटर है, और उससे टैक्स के साथ पे करेंगे तो आपको 419 रुपये लगेंगे विद टैक्सेस, और विदाउट टैक्सेस 399 रुपीस, अनलिमिटेड थाली का है ये। तो हम इसको नंबर देंगे, एम्बियंस में देंगे 10 में से 10 नंबर, मतलब मज़ा आ गया एकदम बढ़िया। जैसे ही आप रसम में एंटर करोगे ना आपको अंदर देख के मज़ा आ जाएगी। उसके बाद बात आती है स्वाद की, तो उसको हम नंबर देंगे 10 में से 9.5 नंबर। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपने एक बार पूरी थाली खा ली, उसको अच्छे से इंजॉय कर लिया, दोबारा फिर मंगा लिया, लेकिन कोशिश कीजिएगा हो सके कि फूड को बर्बाद मत कीजिएगा। बहुत लोग होते हैं ना कि एक बार अनलिमिटेड थाली है मतलब अनलिमिटेड जितना चाहे उतना मंगा लो, तो एक बार आदमी ने मंगा लिया, खा लिया, दोबारा फिर फील करा लिया और वो ज़्यादा नहीं खा पाए, तो फिर वो फूड वेस्ट हो जाता है। तो कोशिश करिएगा कोई भी, जब कभी भी कहीं भी किसी भी तरह का जो अनलिमिटेड ऑफ़र होता है या थाली से, फूड से, किसी से भी रिलेटेड हो, तो उसको आप कोशिश कीजिएगा उतना ही लीजिए जितना आप खा सकें, खाना बर्बाद ना हो बस, क्योंकि अन्न की बर्बादी अच्छी नहीं होती है। बस इतना ही आपसे बोलना था। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब मैं आपसे मिलता हूँ कानपुर की फिर किसी गली में किसी अच्छे जायके की तलाश में, तब तक आप लोग रखें अपना ख्याल और अपने आसपास साफ सफाई रखें।